हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सी आई विद शो। फ्रेंड्स, हमारा चैनल जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, साथ ही साथ में हमारा ऐप भी अवेलेबल है जो कि इसी नाम से ही है। सी आई विद शो नाम सर्च करिए प्ले स्टोर पर और आपको ये मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो ABM एडवांस बैंक मैनेजमेंट में एक केस स्टडी करेंगे। आने वाले टाइम में हम काफ़ी सारी केस स्टडी ABM और BFM में करेंगे। ओके, यही मेरा प्लान है। सिलेबस जो है लगभग मैंने कवर कर दिया है जितना नीडेड है। अगर आप जितना मैंने पढ़ाया है उतना पढ़ते हैं तो आप 60+ स्कोर कर सकते हैं, ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ। केस स्टडीज में थोड़ी बहुत कमियाँ हैं, उसको हम दूर करेंगे। और यहाँ पर एक हमारे स्टूडेंट हैं राकेश जी, जो कि काफ़ी हमसे नाराज़ हैं क्योंकि उन्होंने हमें जो है एक लिस्ट दी हुई है काफ़ी सारी केस स्टडीज़ की, और वो चाहते हैं कि मैं उसको कवर कर दूं, पर ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स मैं उन्हें कवर नहीं कर पा रहा था। बट एश्योर्ड रहिए, अगर आप राकेश जी को जानने वाले हैं तो प्लीज़ उनको मतलब मॉक मत करिए। उन्होंने वाकई मुझे लिस्ट दे रखी है, मेरे पास काफ़ी सारी केस स्टडीज हैं जिन्हें हमें कवर करना है, मैं टाइम नहीं पा रहा था। आने वाले टाइम में मैं इसे कवर कर दूंगा, तो प्लीज़ जो है गो ईजी आन हिम। और राकेश जी, हमारी तरफ से भी आपको सॉरी है। तो ये केस स्टडी फ्रेंड्स जो है आपकी फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशन पर आधारित है, ठीक है। तो ज़्यादा बड़ी केस स्टडी नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है। देखिए, केस स्टडी है, मिस्टर अजय इन्वेस्ट ₹10,000 फॉर 8 ईयर्स एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। तो मिस्टर अजय ने ₹10,000 इन्वेस्ट किए हैं बैंक में, 8 साल के लिए इन्वेस्ट किए हैं, और 10% प्रति ईयर का जो है, यानी 10% पर एनम, हर साल 10% इंटरेस्ट मिल रहा है जो कि एनुअली कंपाउंडिंग होती है। अब आपको आगे 5 क्वेश्चन दिए गए हैं, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन नहीं है। हाउ मच अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर सेकेंड ईयर, तो सेकेंड ईयर में कुल कितना इंटरेस्ट मिलेगा, सवाल ये है। क्वेश्चन नंबर 2 है, टोटल बैलेंस 4 साल के अंत में टोटल कितना बैलेंस होगा इनके पास में, अगर 10,000 जमा किया है तो। तीसरा क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्ट जो है 5वें साल के अंत तक कुल कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन है, अजय जो है जब मैच्योरिटी होगी इस इन्वेस्टमेंट की तो कितना रुपए पाएंगे। और उसके बाद में जो 5वां क्वेश्चन है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा थर्ड ईयर के लिए। तो इस तरीके के 5 क्वेश्चन हैं, हर एक में ऑप्शंस दे रखे हैं, जो येलो मार्क्ड हैं फ्रेंड्स यही आंसर हैं। अगर आपको आता है तो वीडियो को चाहे रोक लीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक लीजिए और इसको जो है सॉल्व करिए, और अगर हो पाए तो कैलकुलेटर अरेंज कर लिए, वीडियो को पॉज करिए और कैलकुलेटर अरेंज कर लीजिए ताकि हैंड टू हैंड जो है कॉपी पेन और कैलकुलेटर होना चाहिए, बेसिक नीड ये होगी, ठीक है। तो चलिए शुरू करूँगा मैं इसको समझने का। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, तो पहला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड जो है, पहला क्वेश्चन था कितना इंटरेस्ट होगा सेकेंड ईयर का, यानी दूसरे साल कुल कितना इंटरेस्ट बनेगा इस कॉन्सेप्ट के, इस क्वेश्चन के तहत, ठीक है। तो अब देखिए, दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट बनेगा, तो सिंपल एक ही फार्मूला हम पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने में, कि फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+r^n होता है। PV क्या है, प्रेजेंट वैल्यू है, अभी कितना इन्वेस्ट किया है, फ्यूचर वैल्यू भविष्य में कितना होगा, R क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जिसको 100 से डिवाइड करके लिखते हैं। अगर 5% है तो 5 को 100 से डिवाइड करके हम कितना लिखते हैं, 0.05 लिखते हैं। अगर 10% है तो 10 को 100 से डिवाइड करके हम 0.10% लिखते हैं, ठीक है। तो R की वैल्यू जो लेंगे हम वो पॉइंट वाली लेंगे, 100 से डिवाइड करके लेते हैं। N क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स होता है, या कुल कितनी बार कंपाउंडिंग हुई है। अगर 2 साल है तो N की वैल्यू 2 होगी, अगर 3 साल बाद है तो N की वैल्यू 3 होगी, ठीक है। इसी फार्मूले को चैप्टर नंबर 12 में टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हमने ये चीज़ देखी हुई है। तो इस केस स्टडी में फ्रेंड्स हम यही फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कि सेकेंड ईयर में कुल कितना इंटरेस्ट लगेगा, यानी दूसरे साल कुल कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, जैसे मान लीजिए व्यक्ति ने ₹10,000 इन्वेस्ट किए हैं, अजय ने 10,000 इन्वेस्ट किए हैं, मान लेते हैं कि ये 1 साल बाद, यानी 1 साल का ख़त्म होते होते ये अगर 11,000 हो जाता है, और दूसरा साल ख़त्म होते होते मान लेता हूँ मैं ये 13,000 हो जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बता रहा हूँ। तो
जो हमने इन्वेस्ट किया कितना 10,000 रुपये, एक साल के अंत में कितना हुआ 11,000 रुपये। इसका मतलब कितना इंटरेस्ट मिला एक साल में, पहले साल कितना इंटरेस्ट मिला 11,000 में से 10,000 घटाएंगे तो 1,000 रुपये बढ़े, तो 1,000 रुपये इंटरेस्ट मिला। और दूसरे साल में कितना इंटरेस्ट मिला, तो भाई 11,000 रुपये पहले साल के अंत में था और 13,000 रुपये दूसरे साल के अंत में था, तो कितना बढ़ा 2,000 रुपये बढ़े हैं। तो यही तो इंटरेस्ट मिला हमको, इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर यूज करने वाले, जो मैंने आपको यहाँ पर बात समझाई हुई है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप निकालो कि टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर कितना होगा, दो साल के बीतने पर टोटल वैल्यू कितनी होगी। अब आप पूछोगे सर कि दो साल के बीतने पर ही क्यों निकाल रहे हैं, तो आप यहाँ सवाल देखिए ना कि सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट आपसे पूछ रहा है। तो हम क्या करेंगे, सेकेंड ईयर में कुल कितना पैसा हो जाएगा, फिर फर्स्ट ईयर में कुल कितना पैसा हो जाएगा, दोनों को घटा देंगे निकल आएगा। अगर मान लीजिए ये पूछता फोर्थ ईयर का कि फोर्थ ईयर में इंटरेस्ट कितना होगा, तो हम उस केस में क्या करेंगे, फोर्थ ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, थर्ड ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट, सॉरी थर्ड फोर्थ ईयर में कुल कितना पैसा होगा, थर्ड ईयर में कुल कितना पैसा होगा, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो निकल आएगा। इसीलिए हम यहाँ पर सेकेंड ईयर का निकाल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में ही सेकेंड ईयर का पूछा गया है। तो वही फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, 1+R, 1 वही रहा, आर की वैल्यू कितनी है, चूंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, क्वेश्चन में गिवन है 10% है, तो इसलिए 10 को जब आप 100 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आएगा, वही लिखा हुआ है। टू दी पावर n होता है, कितने साल बाद, सेकेंड ईयर की बात हो रही, तो 2 साल हो गए, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। अब आप इसको जो है 1+0.1 करोगे तो 1.1 हो जाएगा, इसकी पावर 2 हो जाएगी। कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लीजिए, 1.21 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 10,000 से तो 12,100 रुपये हो जाएंगे। यानी कि हम ऐसे समझ लें, 12,100 रुपये अगर मैं बोलूँ आपसे क्या चीज़ है, तो अगर आप 10,000 रुपये बैंक में जमा करते हैं और आपको 10% इंटरेस्ट मिलता है, तो जो 10,000 रुपये आज आपने जमा किए, दो साल के बाद में, दो साल बीतने पर आपको 12,100 रुपये बैंक लौटा देगा। अगर आप 10,000 रुपये जमा करते हैं और 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको सालाना मिलता है, तो आपको 12,100 रुपये मिलेंगे। ये वही चीज़ है, ठीक है। उसी तरीके से टोटल वैल्यू एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर कितना होगा, तो हमने सेकेंड ईयर निकाला, तो उसी तरीके से फर्स्ट ईयर में निकालेंगे। तो अगेन फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू, है ना, ये एक तरीके से फ्यूचर वैल्यू हो गई, इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 10,000, ब्रैकेट में 1+R की वैल्यू 10% से 0.1 हो गई, टू दी पावर n, यानी एक साल के लिए कह रहा है फर्स्ट ईयर, तो एक ले लेंगे, आप इसको कैलकुलेट करें तो 11,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि व्यक्ति ने 10,000 रुपये जमा किए थे, एक साल के बाद वो 11,000 रुपये हो गए और 2 साल के बाद में वो 12,100 रुपये हो गए, यही बात हुई ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेकेंड ईयर में इंटरेस्ट कितना कमाया गया, तो भाई एक साल का अंत हुआ तो 11,000 रुपये मेरे पास थे, जब दूसरे साल का अंत हो रहा है तो 12,100 रुपये हैं, इसका मतलब मैंने कितना अर्निंग की, 1100 रुपये अर्न किया। फ्रेंड देखिए, 12,100 में से 11,000 घटा दिए, कुल कितना रुपये बढ़ा, 1100 रुपये बढ़े, तो मुझे कुल मिला करके सेकेंड ईयर में कुल कितना ब्याज मिला, 1100 रुपये मिला। अगर मैं यहीं पर ही दूसरा सवाल आपसे पूछता हूँ कि फर्स्ट ईयर में कितना इंटरेस्ट मिला, तो पहले जब हमने जमा किया था 10,000 रुपये थे, जब एक साल बीता तो कितने हो गए 11,000 रुपये, तो कितना ब्याज बन गया, भाई 10,000 जमा किया था, एक साल बाद 11,000 मिला, इसका मतलब मुझे 1,000 रुपये ब्याज मिला। तो इन केस क्वेश्चन पूछा जाए कि एक साल फर्स्ट ईयर का ब्याज कितना है 1,000 रुपये, सेकेंड ईयर का ब्याज कितना है 1100 रुपये। यही हो गया फ्रेंड्स आपका पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो डिफिकल्टी नहीं है, एक बार अगर नहीं समझ में आया दोबारा से देख लीजिए, क्लियर हो जाएगा, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। टोटल बैलेंस एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, अब पूछ रहे हैं कि 4 साल के अंत में कुल कितना पैसा हो जाएगा उसके पास, तो अगेन फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1+R^n, प्रेजेंट वैल्यू कितनी है 10,000 रुपये, आर की वैल्यू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है तो 0.1 हो गया, एन कितना है, पावर कितनी हो गई 4, क्यों, क्योंकि 4 साल बाद फ्यूचर वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ 4 रखा, 1.1 की पावर 4 आप निकालोगे कैलकुलेटर से, ये निकल आएगा 1.4641, 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14,641 रुपये हो जाएगा। तो 4 साल के अंत में कुल बैलेंस कितना हो जाएगा 14,641 रुपये। अब फोर्थ ईयर के अंत में पूछा है आपसे, सिक्स्थ ईयर के अंत में पूछ ले, अगर यहाँ सिक्स्थ ईयर के अंत में यही इसी क्वेश्चन में पूछता कि टोटल बैलेंस कितना हो जाएगा एट द एंड ऑफ सिक्स्थ ईयर, तो छठवां साल पूछता तो क्या फ़र्क आता, सिर्फ यहाँ जहाँ पर आपने 4 लिखा है फ्रेंड्स, यहाँ पर 6 कर दीजिए, बस यहाँ 6 कर दीजिए, 6 कर दीजिए। अब 1.1 की वैल्यू 1.1 की पावर 6 की वैल्यू आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करिए और बस यहाँ पर जो ये वैल्यू है उसकी जगह पे ये वाली वैल्यू रखिए और आपका आंसर निकल आएगा। तो क्वेश्चन कुछ भी पूछे, 7वें साल के अंत में, 8वें साल के अंत में, कुछ भी पूछ ले, वो उसकी मर्जी, यहाँ सिर्फ ये डिजिट चेंज होगी, बाकी सब कुछ एज इट इज रहने वाला है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया फ्रेंड्स आपका। टोटल इंटरेस्ट एक्युमुलेटेड टिल द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर,
तो 5वें साल के अंत तक कुल कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो हम पहले ये पता करें कि 5वें साल के अंत तक कुल कितना पैसा हो जाएगा मेरा। तो अगेन फ्यूचर वैल्यू इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू 1 + r^n। अगेन प्रेजेंट वैल्यू 10,000 रुपये मैंने जमा किया था, 1 + r को सीधे जोड़ के ही लिख दिया 1.1 की पावर 5 करेंगे, क्योंकि 5वें साल के अंत में कुल कितना पैसा मेरा हो जाएगा वो देख रहा हूँ। तो जो 10,000 रुपये की मेरी FD है उसकी वैल्यू 16,105 रुपये हो जाएगी। कब? 5वें साल के अंत में। मैंने जमा कितना किया था बैंक में? 10,000 रुपये। मुझे 5वें साल के अंत में मिलेगा कितना बैंक से? 16,105। तो कितना इंटरेस्ट जमा हुआ 5 साल में? कितना इंटरेस्ट आया? 6,105 रुपये इंटरेस्ट आया। फ्रेंड देखिए, आपने जमा 10,000 रुपये किया था और मिला आपको 16,105 रुपये, तो ऑब्वियसली जो है, सॉरी 16,105 रुपये मिला, तो ऑब्वियसली आपको 6,105 रुपये इंटरेस्ट मिल गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अब अगर 5वें साल के अंत में पूछ रहा है आपसे, पूछ ले कि कुल मिलाकर के कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया 3 ईयर में, है ना, 3 साल में कुल कितना जो है, 3 साल के अंत में कुल कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया, 7 साल के अंत में कुल कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो गया, तो यही मेथड सेम ही रहेगा। जो कुछ भी आपको मैंने पढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स, उसी से ही इसे सॉल्व किया जा सकता है। कोई नई चीज़ मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, बट बीइंग अ केस स्टडी इसको समझ लेना जरूरी है। टोटल अमाउंट एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी, अब पूछ रहे हैं कि कुल कितना रुपए मिलेगा मेच्योरिटी के टाइम पे। तो मेच्योरिटी कितने साल में है? 8 साल में है। क्वेश्चन में ही आपको ये डेटा गिवन है कि जो अजय है उसने 10,000 रुपये 8 साल के लिए जमा किया है 10% पे। तो अगर 8 साल के लिए जमा किया है तो मेच्योरिटी 8 साल बाद ही होगी, तो एन की वैल्यू हमारी 8 निकल करके आ जाती है। ठीक है, बस अब फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, प्रेजेंट वैल्यू 10,000, 1 + r हो जाएगा 1.1, 2 की पावर कितना? उसकी पावर 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 साल बाद मेच्योर हो रहा है। कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर से, 21,436 रुपये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी निपट गया। अब देखिए, मतलब मेरे ख्याल से एक लाइन में निपटता जा रहा है। अब आपको जब समझ आ गया है, इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर पूछ रहा है, अब कुल कितना इंटरेस्ट तीसरे साल, थोड़ा सा लैंग्वेज में ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। यहाँ पर इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर है, इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर नहीं। देखिए मैं आपको ये बात समझाता हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देखिए लैंग्वेज का कितना डिफरेंस है। हाउ मच इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पूछ रहा है कि कितना इंटरेस्ट होगा केवल सेकेंड ईयर का। ये नहीं पूछ रहा है कि सेकेंड ईयर के अंत में कुल कितना इंटरेस्ट हो जाएगा, केवल दूसरे साल का इंटरेस्ट पूछ रहा है। जो पहला क्वेश्चन है, टोटल कितना अमाउंट हो जाएगा एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर, चौथा साल खत्म होने पर कुल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा। यहाँ ये पूछा जा रहा है कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा एंड ऑफ द फिफ्थ ईयर, 5वें साल के अंत तक कुल कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, ये पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि 5वें साल में कुल कितना इंटरेस्ट लगेगा। ध्यान दीजिए, एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर में टिल तक कितना इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाएगा, ये बात हो जाएगी। यानी 5 वर्षों में कुल इंटरेस्ट की बात हो रही है, यहाँ ये बात नहीं हो रही। पहले क्वेश्चन में क्या करें, कितना इंटरेस्ट सेकेंड ईयर का है, फॉर द सेकेंड ईयर, यहाँ एट द एंड ऑफ फिफ्थ ईयर है। तो थोड़ा इस लैंग्वेज को यहाँ पर समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, केवल तीसरे साल का इंटरेस्ट आपसे पूछा जा रहा है। तो जैसे फ्रेंड जो है दूसरे साल के लिए आपने सॉल्व किया था ये वाला क्वेश्चन, एकदम सेम वैसे ही तीसरे साल के लिए भी सॉल्व किया सकता है। क्या करना होगा, पहले फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिए किससे, प्रेजेंट वैल्यू ब्रैकेट में 1.1 1 + r^n, पहले ये कैलकुलेट करिए तीसरे साल में कुल कितना पैसा हो जाएगा, फिर दूसरे साल में कुल कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा 10,000 और 1.1 2, इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, ये हो जाएगा 13,310 और ये हो जाएगा आपका 12,100 रुपये। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे कैलकुलेटर से तो यही आएगा। ठीक है, तो तीन साल के अंत में आपके पास 13,310 रुपये हैं, 2 साल के अंत में आपके पास 12,100 रुपये हैं। तो दूसरे साल के अंत में आपका 12,100 रुपये थे, तीसरे साल के अंत में आपका 13,310 रुपये हो गए। तो कुल कितने रुपये बढ़े भाई, कितने रुपये बढ़े? 0, 1 में से ये 1 हो जाएगा, 3 ये हो जाएगा मेरे ख्याल से 2, और ये 1210 रुपये आपका बढ़ा। यही तीसरे साल का इंटरेस्ट है फ्रेंड्स, यही है तीसरे साल का इंटरेस्ट। हमने यहाँ पावर 3 और पावर 2 क्यों किया, क्योंकि तीसरे साल का पूछ रहा है तो हमें पता होना चाहिए कि दूसरे साल में कुल कितना पैसा था, फिर तीसरे साल के अंत में कुल कितना पैसा था, उसी घटाएंगे तो हमें तीसरे साल का ब्याज निकल आएगा। अगर ये पूछे कि 6वें साल में कुल कितना इंटरेस्ट मिला, तो हम क्या करेंगे, 6वें साल का कितना पैसा होगा, 5वें साल का कितना पैसा होगा, और 6वें साल के पैसे में से 5वें साल का टोटल पैसा निकाल घटा देंगे, आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये वैल्यू निकल करके आ जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो यही आपका ये 5वां क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा लैंग्वेज का हेर फेर है, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, क्यों लैंग्वेज का हेर फेर है ना। इंटरेस्ट फॉर थर्ड ईयर, तो तीसरे साल के लिए इंटरेस्ट निकालना था, अगेन सेम फार्मूले पर पूरे क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं। तो हम फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर निकालेंगे, तो वही
प्रेजेंट वैल्यू 1 + r⁻³ 13,310, और उसी तरीके से फ्यूचर वैल्यू एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर अगेन 12,600। सो इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर ये हो गया, आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जो है मैंने इसमें 5 क्वेश्चन बनाए हैं, आप कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, यकीन मानिए ना, हर एक क्वेश्चन में 7-8 क्वेश्चन आप बना सकते हो। अगर आप चाहो तो थोड़ा बहुत अपने प्रैक्टिस सेक के लिए आप कैलकुलेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें ना। जैसे टोटल इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर हमने कैलकुलेट किया, 5वें क्वेश्चन में हमने थर्ड ईयर के लिए कैलकुलेट किया, आप 5th ईयर के लिए ट्राई करिए इस क्वेश्चन को, है ना। उसी तरीके से टोटल बैलेंस एट द एंड ऑफ 4th ईयर लिखा हुआ है, आप ऐसे टोटल इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ 7th ईयर कैलकुलेट करके दे, तो इससे क्या होगा आपकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी फ्रेंड्स। ओके, तो आई होप कि आपको केस स्टडी अच्छी लगी होगी। लाइक वगैरह करने में थोड़ा कंजूसी ना करिए जो है, अगर हो सके तो बैठे ही होंगे, लेटे होंगे, जैसी भी स्थिति में है बटन वगैरह प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।